इस वीडियो में आज हम एमएस एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक तारुफ पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये होता कैसे है और इसको हम बुनियादी तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दरअसल एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में लॉन्च किया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना या रिलेशनल डेटाबेस बनाना और उसके साथ साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI ये भी यूज़र को प्रोवाइड करना। अब ये क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दरअसल सॉफ्टवेयर का वो इंटरफेस होता है जो कि यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसमें उसको मुख्तलिफ बटन्स वगैरह और मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आते हैं जहाँ पे वो क्लिक कर सकता है या उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है, और उस GUI के पीछे एक रिलेशनल डेटाबेस काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकें। यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो अहम चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी जो आपको फ्रंट पे जो उसका व्यू नज़र आ रहा होता है, और उसके बैक पे एक रिलेशनल डेटाबेस काम कर रहा होता है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एमएस एक्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं। और एमएस एक्सेस जो है वो लैंग्वेज सपोर्ट करता है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक दरअसल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम जब अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो डेटाबेस किस में क्रिएट किया होता है? एमएस एक्सेस में। अब हम ये जानते हैं कि ये हमने थोड़ा बहुत एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ लिया। एमएस एक्सेस दरअसल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये दरअसल उसकी एक टाइप है और हम आगे चल के इसी एमएस एक्सेस को ही सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एमएस एक्सेस जो है वो किस तरह से हम उसको अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू। अब यहाँ पे आप जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके भी यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टॉप पर एक्सेस नज़र आ रहा है। या अगर आपको यहाँ पे मिलने में मुश्किल हो रही है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे वहाँ तक एक्सेस करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पे आप आराम से टाइप कर सकते हैं एक्सेस, तो यहाँ पे आपके सामने एमएस एक्सेस का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर हम आगे चल के सीखेंगे कि डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं और फिर हम कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। अभी हमने सिर्फ ये जानना है कि एमएस एक्सेस है क्या और उसको हम अपने कंप्यूटर पर ओपन कैसे करते हैं। तो ये आपने इसको ओपन कर लिया एमएस एक्सेस को। इस एमएस एक्सेस के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसे आप स्टोर कर सकते हैं, या अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और उसके लिए आप एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, या आपने कोई ऑलरेडी कोई मैनुअल सिस्टम है जिसमें आप पेपर और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके आप अपने कंप्यूटर में एमएस एक्सेस को इंस्टॉल करके अपने बिजनेस का सारा डाटा एमएस एक्सेस में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए एक ऑलरेडी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल, तो हमें एमएस एक्सेस की क्यों ज़रूरत पड़ी है जब ऑलरेडी एक एक्सेल के एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। एक्सेल इससे पहले हम उस पर भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी हम वीडियोज़ बना चुके हैं कि एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं और डाटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एमएस एक्सेल में। लेकिन फ़र्क क्या है कि एमएस एक्सेल में जो आपने डाटा स्टोर किया है और जो एक्सेस में स्टोर किया उसमें क्या फ़र्क है? अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल की एक स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास रोज एंड कॉलम्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने अगर स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लूँगा रोल नंबर, और इसके साथ एक दूसरा कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे नेम, उसके साथ हम और जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे, और उस फाइल को मैं सेव कर लूँगा स्टूडेंट के नाम से तो स्टूडेंट का डाटा मेरे पास सेव हो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर ये फैसिलिटी हमारे पास है तो फिर हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एमएस एक्सेस ना सिर्फ डाटा स्टोर करता है बल्कि उस डाटा को एनालाइज भी करता है। एनालाइज इस तरह से करता है कि उस डेटा में जो है वो
हम आसानी के साथ ये जान सकते हैं कि उस डेटा के अंदर किस तरह से हम रिकॉर्ड को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेस का वो ये है कि हम डेटा फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल के साथ मसला ये है कि अगर आप एक फाइल बना लेंगे, एक स्टूडेंट की फाइल होगी, एक टीचर की फाइल होगी, ये सेपरेट फाइल्स होंगे, लेकिन आप इन फाइल्स को आपस में जोड़ नहीं सकेंगे, कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। जबकि एक्सेस का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स क्रिएट करेंगे और हर टेबल को एक दूसरे के साथ जोड़ सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे। इस वजह से एमएस एक्सेस जो है वो इस्तेमाल होता है रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस से पहले हमने पढ़ा था, इसमें एक टेबल जो है की इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल के साथ आपस में कनेक्ट होती है। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेस। तो इस वजह से एमएस एक्सेस जो है वो हम यूज करते हैं अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि एमएस एक्सेस क्या होता है, उसे हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं।